सीखना चाहते हैं भांग के पकौड़े बनाना तो रेसिपी में बने रहिए मेरे साथ। कॉपी प्रणाम बेलाग, आप सभी को स्वागत है आपको सुजाता किचन में। आज भी लेकर आई हूँ भांग के पकौड़े की रेसिपी, जिसे शिवरात्रि में और होली में खूब पसंद किया जाता है। भांग के पकौड़े बनाना बहुत ही आसान है, खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। भांग को मैंने यहाँ पे साफ करके धो के ले लिया है, इसका पानी भी अब सूख चुका है। एक बंज मैंने यहाँ पे भांग ली है। भांग को मैं यहाँ पे जो इसकी डंठल है मोटी, इसे हटा लेती हूँ। पत्ती का ही हम यूज करेंगे। भांग की पत्ती को हम बारीक बारीक काट लेंगे। भांग को हमने कट कर लिया है और मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, चार मैंने यहाँ पे ली है, हरी से जो मिर्च लाल हो जाती है वही मैंने यहाँ पे ली है, चार मिर्च हैं, और यह है धनिया पत्ती। दो मीडियम साइज के आलू मैंने यहाँ पे गोलाई में कट करके रखे हैं, पतले में, आप लंबे भी कट कर सकते हैं, या फिर आप आलू अगर अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप आलू को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप बेसन, इसे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है, आप यहाँ पे लाल पिसी हुई मिर्च भी ले सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा पानी लेंगे दो चम्मच के करीब और इसे मिलाएंगे, पानी और लेंगे। पकौड़ी के लिए बैटर भी हमारा तैयार हो गया है, आधे गिलास से थोड़ा सा कम यहाँ पे पानी लगा है। कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने रख दिया है, तेल को हल्का गर्म होने देते हैं। तेल भी अब गर्म हो गया है तो पकौड़े को हम डाल लेते हैं। पकौड़े का साइज आप थोड़ा छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे लो रखा हुआ है और पकौड़े का कलर हम हल्का सा चेंज होने देते हैं। देखिए हल्का ब्राउन कलर आ गया है तो पकौड़े को हम पलट लेते हैं। पकौड़े को हम क्रिस्पी बनाएंगे और इन्हें ब्राउन कलर आने तक हम पकौड़े को फ्राई करेंगे। तेल थोड़ा ठंडा लग रहा है तो हम गैस की फ्लेम को हाई कर लेते हैं एक मिनट के लिए। तेल भी अब गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और पकौड़े को पलट लेते हैं। पकौड़े को हमने पलट पलट के फ्राई कर लिया है और इनका देखिए भूरा रंग भी आ गया है। तो पकौड़े हमारे तैयार है, एक बैच तैयार है। तो पकौड़े का निकाल लेते हैं। कुछ देर इसे आप छलनी में रख लीजिए या फिर टिश्यू पेपर में रख सकते हैं ताकि पकौड़े का एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। पकौड़े भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बाकी के पकौड़े भी हमारे फ्राई हो गए हैं। देखिए गर्मा गर्म पकौड़े सर्व करने के लिए तैयार है। आप इन्हें हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। पकौड़े बहुत क्रिस्पी भी बने हैं, सुनिए आवाज, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। मैं इस होली में आप भी बनाइए भांग के पकौड़े, सभी को बहुत पसंद आते हैं। भांग के पकौड़े आपके परिवार में सभी को बहुत पसंद आएंगे, खाने में ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आपको भांग के पकौड़े की ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, उससे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। मिलती हूँ आपसे कल फिर एक नई रेसिपी के साथ, ख्याल रखिए, थैंक यू।